आज बात करते हैं धनिया की, हरी पत्ती वाला धनिया। हर सब्जी की जान है, कहीं भी लगाया जा सकता है, किसी भी भूमि में लगाया जा सकता है, और खास तौर पे किचन गार्डनिंग करने वालों को तो विशेष फरमाइश रहती है। आने वाला समय गर्मियों में है, धनिया मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। धनिया मैंने 1 रुपये से लेके, एक नहीं तो 2 रुपये किलो से लेके 200 रुपये किलो तक भी खरीदा है। अब गर्मियों में, अब जाते जाते मौसम में धनिया लगा सकते हैं। धनिया सर्दी में और गर्मियों में, बिल्कुल सर्दियों में दिसंबर के महीने में नहीं उग पाता है और गर्मियों में भी नहीं उग पाता है। उगाने वाले 12 महीने जाते हैं। अब जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो आपको शेड भी में थोड़ा रखना होगा, तो धनिया आराम से लग जाता है। एपेसी वर्ग का ये धनिया, इसमें हर प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक, सल्फर। धनिया की खेती शीतोष्ण और उपोष्ण दोनों जलवायु में की जा सकती है। दोमट मिट्टी अच्छी रहती है जिसमें घनी कार्बनिक मात्रा हो, यानी कि भुरभुरी मिट्टी हो, जो कि तथाकथित पोरस, ज्यादा अम्लीय है यानी कि एसिडिक, ज्यादा लवणीय है यानी कि क्षारीय, एल्कलाइन इसकी उपयुक्त नहीं होती है। धनिया कि जो किस्में होती हैं वो पत्तियों के लिए अलग, हरी पत्तियों वाली, जैसे सिलांथ्रो भी बाहर के देशों में कहा जा सकता है, वहाँ कोरिएंडर के नाम से इसे नहीं जानते। धनिया जो मसाला के रूप में प्रयोग होता है उसकी किस्में अलग हैं। हरा धनिया जो पत्ती के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं उसकी किस्में अलग हैं। इनकी किस्मों में पंत हरितमा जो कि विशेष रूप से प्रयोग की जाती है, वो देसी किस्म है, उसमें खुशबू ज़्यादा होती है। इसके अलावा कोयम्बटूर 1, 2, 3 वो भी प्रयोग में लाई जाती हैं। आपको पता है पुर्तगाली इस देश में क्यों आए हैं? जी हाँ, मसालों के खातिर, और मसालों में सर्वश्रेष्ठ धनिया नंबर 1 पर आता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये धनिया की खान है। आपके सामने ये धनिया पड़ा है, फरवरी मार्च है, इसकी जो पत्तियां हैं वो 45 से दिन में तैयार हो जाती हैं। अगर फरवरी अंत मान के चलो, मार्च का प्रथम, अब मार्च अप्रैल के अंत तक आप इसकी पौध ले सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो धनिया है इसकी जो पौध ली जा सकती है, कटिंग तो सर्दियों में की जा सकती है, गर्मियों में जड़ सहित लेना चाहिए। आपने देखा होगा आपको सब्जी मार्केट में जड़ सहित मिलता है। तो बीज शोधन, ये पंत हरितमा नाम का ये धनिया है, बड़ा ज़रूरी है। इसके अंदर कोई भी फफूंदी नाशक, जैसे मैं बोल रहा हूँ कार्बंडाजिम, बाउस्टिन, थीरम या फिर बायोफंजीसाइड में, इसको शोधित करना बड़ा ज़रूरी है। मैंने तो इसे शोधित किया नीम के ऑयल और उसके बाद बैक्टीरिया यानी कि टेट्रासाइक्लिन जो कि एंटीबायोटिक हम खाते हैं, उसका पाउच भी आता है 5 ग्राम वो, और नीम का ये। अब इस में शोधित करने के बाद इसको गीला किया गया है, फिर इसको सुखा दिया गया। गीला करने का फायदा ये जल्दी उगता है। इसको आप इस रूप में भी उगा सकते हैं जैसे ये आपके सामने पड़ा है बंधु। इसमें थोड़ा समय लगता है, करीब इसमें आपको संपूर्ण रूप में अगर पूरे धनिया लगाएंगे तो 8 से 10 दिन लग जाएंगे। इसका आधा टाइम करने के लिए आपको थोड़ा सा इस प्रकार इसको क्रश करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा आधा कर दीजिए, तब भिगो दीजिए। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आत है, आखिर देसी जो ठहरा। कई लोगों की आलू की सब्जी बड़ी गजब की होती है, पता लगता है उसकी जड़ कोई नहीं है, कोई 5 स्टार का शेफ नहीं है, मात्र धनिये की किस्म अच्छी है, देसी वर्ग की। तो ये लीजिए। तो ये जो धनिया के जो 2 फाड़ हो गए हैं, अब करने को तो आप जैसे ये मिट्टी है बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल है और ऐसी मिट्टी है बस चॉकलेट की तरह भुरभुरी। तो ये इसको धनिया के लिए को जो पॉट लेना है वो आपको ऐसा लेना है, उथला
यानी उसकी गहराई ज्यादा नहीं हो, अगर वो 4 इंच गहरा है तो भी चलेगा मैक्सिमम। इसके लिए कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लंबे तोपनुमा ओवासिस या गमले, तो इसको आप छिटकवा विधि से भी करते हैं, छिटकवा ये ऐसे, कोई इधर कोई उधर, कोई पूर्व कोई पश्चिम, कोई उत्तर कोई दक्षिण। लेकिन जो अच्छी किस्म है, जो बेहतरीन तरीका है, वो लाइन का है, लाइनों में ये ऐसे, एक ये दो ये तीन ये चार, लाइनों में विधि ऐसे। तो ये जो लाइनों में पड़ेगी, बीज सही भी पड़ेगा कम भी पड़ेगा। उगना तो है ही, चाहे छिटकवा विधि से करो चाहे आप लाइनों में करो, लेकिन जो शोध के बाद नतीजा निकाला है साइंसदानों ने, उसी पर राह पे ज्यादा चला जाए तो हो गया ना। तो इसके ये मट्टी रख दी जाए, अब इसको कोई छाया में रखने की कोई जरूरत नहीं, तापमान बिल्कुल गिर चुका है। जब ज्यादा तापमान होगा तब इसको रख देंगे। अगर आपके दिन का तापमान 35 डिग्री से ऊपर आता है तो अच्छा है, 35 डिग्री से ऊपर मुझे नहीं मालूम दिन का तापमान कहाँ रहता है उत्तर भारत में, गुजरात या नागपुर को छोड़ के। तो अब इसको आप पानी से भी ऐसे कर सकते हैं, इसको स्प्रे, इसको आप पानी की तरह, नाले की तरह पानी नहीं बहाना, गंगा जमुना नहीं बहा देनी कि बीज बहत रही। इसका एक तरीका है, जैसे ये इसके ऊपर ये बिछा दो, एक कपड़ा ले लो, बोरी ले लो, टाट ले लो, ये क्या है, पेपर, ये तो इसके ऊपर पड़ा भी रहे कोई हर्ज नहीं है, ये कार्बन तो बन ही जाएगा। ये पानी ये इसके थ्रू जा रहा है, बिल्कुल छिटकेगा नहीं। ये कई तरीकों में से एक तरीका हो सकता है धनिया लगाने का, जैसे मैंने बताया लगने वाली बीमारियों में वही फफूंदी की बीमारी है जो नर्सरी डाउन हो जाती है, पीथियम है, किसी फफूंदी नाशक से कर दी। जैसे मैंने तो फफूंदी नाशक भी और बैक्टीरिया साइड दोनों को मिला के, यानी कि बाविस्टिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों को कर दिया है। और जहां तक कीड़ा नाशक की बात है तो इसमें चेपा रोग लग सकता है, उसमें आप पत्तियों के ऊपर नीम का स्प्रे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बतलाया बीमारियों के बारे में, कीड़ों के बारे में, भूमि के बारे में और नर्सरी कैसे तैयार की जाती है, तो आप इसको इस तरह से ही पानी दीजिए। एक बार ही पानी दे दिया तो 2 दिन पानी देने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये उसके बाद में इसको उठा दीजिए, ये इसको आप उठा सकते हैं। बस इस तरह से आप धनिया लगाइए और मौज कीजिए। चलता हूं, आपको अच्छा लगा होगा, कछु पूछना हो तो पूछ भी लीजिए। नमस्कार।